हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी इंटरनेट में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑनर X10 विद 5G सपोर्ट के बारे में। तो ये ऑनर X10 एक फ़ोन है जो कि सपोर्ट करता है 5G। अभी लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट फ़ोन है, चाइना में लॉन्च हुआ है। पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी फ़ोन के बारे में आप सभी को बताता हूँ, इसकी प्राइस क्या होगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, डिटेल्स वगैरह, प्राइसिंग सभी बताता हूँ यहाँ पे। तो ऑनर X10 जो है वो लॉन्च हुआ है चाइना में ऑनलाइन इवेंट के ज़रिए May 20 को। यहाँ पे 5G का एक्सेस आपको जो है सभी लोगों तक पहुँचाया जाए, इसलिए जो है यहाँ पे फ्लैगशिप नहीं बना के एक जो है यहाँ पे एक फ़ोन बनाया है, अफोर्डेबल फ़ोन, ताकि सब जो यहाँ पे अफोर्ड कर सकें। ऑनर की तरफ से आता है ये जो है यहाँ पे बहुत ही 3 वेरिएंट्स में आ जाता है, बहुत ही जो है अच्छे प्राइस पे भी आता है। तो पहला वेरिएंट जो है वो 6GB प्लस 64GB वेरिएंट है, जिसकी प्राइस जो है करीब करीब 20,000 हो सकती है इंडिया में। और 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस 23,000 अराउंड हो सकती है, और 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस अराउंड 25,000 रुपीस हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर ने X10 को जो है किस रेंज पे रखा है। 5G का एक जो है फ़ोन है तो ये अराउंड 20,000 से स्टार्ट होता है। जब इंडिया में अगर लॉन्च होता है तो किस प्राइस पे लॉन्च होगा वो नहीं मालूम है, पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 20,000 से स्टार्ट हो रहा है। ये फ़ोन जो है यहाँ पे 3 कलर्स में यहाँ पे मिलेगा, लाइट स्पीड सिल्वर है, प्रोबिंग ब्लैक है, रेसिंग ब्लू है। यहाँ पे X10 जो है वो 26 मई को लाइव सेल पे जाएगा चाइना में। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है मैजिक UI 3.1.1 मिलता है, एंड्रॉयड 10 मिलता है, 6.63 इंच की फुल HD प्लस यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलती है, और 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ऑक्टाकोर का किरिन 820 SoC इसमें लगा है, 8GB की रैम है, LPDDR4X वाली रैम है, और यहाँ पे जो है 3 कैमरास पीछे आते हैं। प्राइमरी कैमरा 40 मेगापिक्सल का सेंसर है जिसका एपेचर 1.8 है, सेकेंडरी कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है जिसका एपेचर 2.4 है, और जो है एक और लास्ट वाला जो सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का है जिसका एपेचर 2.4 है। फ्रंट में आपको जो है पॉपअप मैकेनिज्म वाला एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा जिसका एपेचर 2.2 है। तो सेल्फी के लिए भी आपको जो है यहाँ पे पॉपअप का कैमरा मिल रहा है। तो आपकी डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले की रेशियो जो है बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, बेजल्स बहुत ही कम दिखेंगे, फुल व्यू वाला आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है, कोई भी नॉच या फिर कोई भी पंचोल बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा डिस्प्ले को। यहाँ पे जो है आपको ऑनबोर्ड स्टोरेज तो मिल ही जाती है 128GB तक, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256GB तक यहाँ पे XD कार्ड लगा के। 5G का सपोर्ट है, 4G LTE भी है, डुअल बैंड वाईफाई है इसमें, ब्लूटूथ है, 3.5mm का हेडफोन जैक भी आपको मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। बैटरी कैपेसिटी जो ऑनर X10 में है वो 4300mAh की बैटरी है, 22.5 watts की फास्ट चार्जिंग है, और यहाँ पे आपको बता दो 203 grams तक यहाँ पे आपको जो है इसका वेट देखने मिल सकता है। 6.63 इंच की जो है यहाँ पे स्क्रीन आपको देखने को मिलती है इसमें, तो बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है 6.63 इंच की। यहाँ पे आपको इसमें अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, प्राइस इसकी अच्छी है, यहाँ पे एग्रेसिव रखी गई है ओनर की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होता है और कब आएगा इंडिया में, किस प्राइस पे आ सकता है। अगर जो है इस फ़ोन को ऑनर 20,000 तक लॉन्च कर देता है तो ये 5G का जो है बहुत ही अच्छा बिकने वाला फ़ोन हो सकता है इंडिया में। पता नहीं गूगल सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, वो तो कंफर्म नहीं है, गूगल सपोर्ट वैसे होता ही नहीं है ऑनर के फ़ोन्स में, पर जो है 5G तो ज़रूर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है इसी ऑनर X10 के बारे में आप सभी को बताया, तो मुझे कमेंट्स कीजिए नीचे, अगर ये लॉन्च होता है इंडिया में क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे, कैसा लगा आपको ये फ़ोन, क्या क्या पसंद है इसमें, क्या आपको पॉपअप कैमरा चाहिए, नॉच, कुछ भी जो है आपके ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्वेश्चन से नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।